Welcome students to my channel The Academy 2020. Today we do some more questions about the matrix multiplication of the book Selina. It's 9th question. 9C ka 9th question dekhiye. These questions are very important as board point of view for ICSE board class 10th. Now see the question. BA is equal to m square. हमने पहले भी बोला है कि बी ए को ए बी नहीं लिखना, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती. अगर बी ए बोला है तो बी ए ही करना है. बी ए के लिए बी पहले लिखेंगे, ए बाद में लिखेंगे. ए ज़ीरो ज़ीरो टू के साथ इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई. तो रूल क्या होता था याद हो, इसकी रो को इसके कॉलम के साथ. जिसको रूल्स नहीं पता वो मेरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वाली एक्सरसाइज देख सकता है. इसको इसके साथ करोगे, ए को ज़ीरो के साथ ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ा ज़ीरो माइनस टू बी, नेक्स्ट ए प्लस ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो. इस रो को इस कॉलम के साथ करा, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ. फिर जब इसको इसके साथ करा ज़ीरो आ गया, इसको इसके साथ करा माइनस टू बी, फिर ए प्लस ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो. सो व्हाट वी पीपल गॉट, ज़ीरो माइनस टू बी ए एंड ज़ीरो. ठीक है, अब निकालना हमें एम स्क्वायर. एम स्क्वायर का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दो आप. एम स्क्वायर का मतलब है कि एम को एम से ही मल्टीप्लाई करना है और रूल्स मल्टीप्लिकेशन वाले ही लगेंगे. क्या, इसकी रो को इसके कॉलम के साथ करेंगे. तो शाबाश करो, वन को वन से करा, वन माइनस वन माइनस वन, अगला भी क्या आएगा माइनस वन, वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन. बट वी पीपल गॉट ज़ीरो माइनस टू, टू एंड ज़ीरो. अकॉर्डिंग टू गिवन थिंग बी ए किसके इक्वल दिया हुआ है बेटा, एम स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है. तो इक्वेट करो ज़ीरो माइनस टू बी, ठीक है. अगला क्या आ गया एलिमेंट ए और ज़ीरो, किसके इक्वल आया, ज़ीरो माइनस टू, टू ज़ीरो. अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो क्या होता है, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, ये वाला ज़ीरो तो ज़ीरो के इक्वल ही रहेगा. माइनस टू बी किसके इक्वल आ गया, माइनस टू के. सिमिलरली ए किसके इक्वल आ गया, टू के. तो ए की वैल्यू तो यहाँ से निकल आई टू, बी की यहाँ से निकाल देते हैं, माइनस माइनस कट गया, बी की क्या वैल्यू आई, टू बाई टू वन. सो बी की क्या बेटा वैल्यू आई, वन. ए की वैल्यू टू और बी की क्या वैल्यू आई, वन वैल्यू आई. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स. सो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ध्यान से करनी है, नोट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ए दिया हुआ है माइनस वन वन ए बी एंड ए स्क्वायर इक्वल टू आई, फाइंड ए एंड बी. अब पहले क्या निकालेंगे हम, ए स्क्वायर. ए स्क्वायर का क्या मतलब है, ए इंटू ए. फिर वही बात कि एलिमेंट्स का स्क्वायर नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन का ही रूल लगाना है. वो क्या होता है, इसकी रो को इसके कॉलम के साथ क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई. तो क्या आएगा, माइनस वन पहला एलिमेंट पहले के साथ होगा, वो क्या आ जाएगा, वन. बीच में क्या साइन आता था, प्लस का. फिर दूसरा एलिमेंट किसके साथ होगा, इसके साथ, ए. सिमिलरली अब ये पहला एलिमेंट हो गया, अब पहली रो दूसरा कॉलम. तो क्या करोगे, माइनस वन को किसके साथ करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई वन के साथ. तो क्या आएगा आपके पास, माइनस वन. और वन को किसके साथ करेंगे, बी के साथ, बीच में प्लस का साइन आ गया. सिमिलरली नेक्स्ट रो की टर्न आ गई, अब इसको पहले के साथ, ये इसको किसके साथ करेंगे, इसके साथ. तो माइनस ए,
बी को किसके साथ करेंगे हम लोग, इसके साथ, तो क्या आ जाएगा प्लस ए बी आ जाएगा, इज दैट क्लियर। फिर ए को 1 के साथ ए, और प्लस बी को किसके साथ करेंगे, ये इसको इसके साथ बी स्क्वायर आ जाएगा, इज दैट क्लियर। ये आया आपके पास ए स्क्वायर, आपको गिवन क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। आई क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सब 0 होते हैं। डायगनल मतलब ये वाले एलिमेंट। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, 1 0 0 1, रिमेंबर इट। आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगनल एलिमेंट्स 1, बाकी सब क्या लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं। अब कंपेयर करें, 1 प्लस a किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। 1 माइनस 1 प्लस b किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। और -a प्लस ab भी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। और a प्लस b² किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। अब यहाँ से सॉल्व करके हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। करो सॉल्व। ए की क्या वैल्यू आ गई, 1 माइनस 1, ए की वैल्यू आ गई 0। यहाँ से हमने बी की वैल्यू निकाल ली, 1 उधर चला गया, बी की क्या वैल्यू आ गई, 1। अब ये दो इक्वेशंस भी दी हुई है, अब ये दो वैल्यूज क्या इसको सेटिस्फाई कर रही हैं? अगर तो वो सेटिस्फाई कर रही हैं तो मतलब ये आंसर ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं तो मतलब हमें, हमने कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है, वो करनी चाहिए। ए की क्या आई थी, 0, 0 × 1 = 0, 0 = 0 आ रहा है, यस इसको तो कर रही है सेटिस्फाई। नेक्स्ट को चेक करें, करती है, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, यस कर रही है, तो मतलब हमारा आंसर क्या आया, a 1 और b 0। अगर ज़्यादा इक्वेशंस बन जाए बेटा, याद रखना है मेरी बात, अगर ज़्यादा इक्वेशंस बन जाए जो ए और बी में इन्वॉल्वमेंट हो, तो पहले दो से निकल आई वैल्यूज ठीक है, लेकिन दूसरे में सेटिस्फाई करके ज़रूर देखना है कि वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। कई बार नहीं कर रही होती, अगर नहीं कर रही है तो मतलब आपका या तो स्टेटमेंट गलत है, तो या आपने कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है, वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर कर रही है तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपको, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल है। वहाँ से हमें फाइंड करना है क्या, एक्स एंड वाई। तो शाबाश, करो मल्टीप्लाई इसकी रो को इसके कॉलम के साथ। तो इसका पहले तो देखो मल्टीप्लाई हो सकता है, ये 2/2 है और ये 2/1 है, यस मल्टीप्लाई हो सकता है। और जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, किस ऑर्डर की, 2 रोज और 1 कॉलम होगा। करो शाबाश मल्टीप्लाई, पहले एलिमेंट को इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 2x। 5 को किसके साथ करेंगे, y के साथ, तो क्या आ जाएगा, 5y। अब और कोई कॉलम तो है ही नहीं है तो काम खत्म हो गया। अब सेकेंड रो की वैल्यू ऐसे ही, 5x + 2y इज इक्वल टू क्या आया, -7 और 14। अब ये दो इक्वल है तो मतलब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, दूसरे एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा। फिर ये दो इक्वेशंस आ गई, इन दो इक्वेशंस को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। आपके पास 3 मेथड्स हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हो, दैट्स अप टू यू कि आपने किस मेथड से करना है। हमने इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, और हम कर रहे हैं किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, एलिमिनेशन मेथड से। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा और इसको 5 से करा मल्टीप्लाई हमने, तो क्या आएगा देखो, 2 × 2 = 4x + 10y, 7 × 2 = 14। इसको 5 से करा आपने मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आपके पास, 25x + 10y, 14 × 5 क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, 70। अब सब्ट्रैक्ट करो,
ये और ये कैंसल आउट हो गया, तो क्या आ गया जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, -21x -84, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 80 -84 ओवर -21, माइनस माइनस कट गया 21 4। सो आपके पास बेटा एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4। अब एक्स की वैल्यू 4 किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो और वाई की वैल्यू निकाल लो। हमने फर्स्ट में पुट करो, फ्रॉम फर्स्ट 2 × 4 +5y इज इक्वल टू -7, तो 5y क्या आया -7 -8, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास -15। वाई की वैल्यू क्या आई -3। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर्स में आ जाते हैं, नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट, हमें एक्स और वाई निकालना है। तो हम पहले ऑब्वियस है मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए पहले मल्टीप्लाई हो भी सकता है कि नहीं। इसमें रो एक है, कॉलम दो, ये 2x2 की है, तो यस मल्टीप्लाई हो सकता है। और जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा 1/2। करो अब मल्टीप्लाई, शाबाश, इसकी रो को इसके कॉलम के साथ। देखो ध्यान से करना है मल्टीप्लाई, ये पूरे को इसके साथ, तो क्या आएगा आपके पास माइनस एक्स प्लस वाई, बीच में क्या साइन आता है प्लस का, ठीक है। अब सेकंड वाला क्या है आपके पास, ये पूरा, इसको किसके साथ करेंगे 2 के साथ करेंगे, तो क्या आएगा बेटा आपके पास +2 × x -4, ये पहला एलिमेंट हो गया। अब सिमिलरली इस एलिमेंट को किसके साथ करेंगे, इसके साथ, तो क्या आएगा -2 × x +y, और इसको किसके साथ करेंगे, इसके साथ, तो क्या आएगा आपके पास +2 × x -4, जो किसके इक्वल है -7 -11 के इक्वल है। तो ध्यान से देखो क्या आ गया, -x -y +2x -8, ये भी खोलो -2x -2y +2x -8 इज इक्वल टू -18, सॉरी -7 -11, सॉरी बेटा, ये क्या आया आपके पास, सिंप्लीफाई करो, 2x में से x गए, x -y -8, और 2x और 2x कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आया -2y -8 इज इक्वल टू -7 -11। अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, एक्स माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू -7 -2y -8 इज इक्वल टू -11। तो यहाँ अकेला वाई है तो पहले इसी से वैल्यू निकाल लेते हैं +8, तो -2y क्या आ गया -2, और y की क्या वैल्यू आ गई 1। अब ये y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x -1 -8 -7, तो x इज इक्वल टू -7 +9 2, और x की क्या वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 2 वैल्यू। इज दैट क्लियर? सो कैलकुलेशंस ध्यान से करनी है, अगर ध्यान से नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चंस गलत होने शुरू हो जाएंगे, इनमें यही प्रॉब्लम है, बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट 16 का ही, और सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। तो देखिए ध्यान से, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को स्केलर मल्टीप्लाई करना है अंदर, फिर एडिशन करनी है और फिर इक्वेटिंग करनी है। तो मल्टीप्लाई के लिए रूल्स होना चाहिए, 2 × 2 है ये, और ये 2 × 1 है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और करके जो मैट्रिक्स आएगी वो 2 रोज और 1 कॉलम की होगी। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसकी रो को इसके कॉलम के साथ, शाबाश करो चलो मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो क्या आएगा 2, फिर 0 को 2x के साथ करा तो +0, ठीक है।
है, अब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, -3 +2x ये 3 अंदर चला गया, मल्टीप्लाई दोनों से होगा, -6 3 इज इक्वल टू 2y और 6। तो बेटा ये क्या आ गया, 2 -3 +2x -6 3 इज इक्वल टू 2y और 6। तो ये क्या आ गया, 2 + -6 -3 2x +3 इज इक्वल टू 2y 6। इसी तरह से पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, ये ऊपर क्या आ जाएगा, -4, वो किसके इक्वल आएगा, 2y के ऊपर। 3 और 3 कट गया, नीचे क्या आया, 2x, वो किसके इक्वल आया, 6 के इक्वल। y की वैल्यू क्या आ गई, -2 यहाँ से, और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3। क्लियर स्टूडेंट्स? सो कैलकुलेशंस ध्यान से करनी है इजी, मर्जिंग क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमें 3 मैट्रिसेस दी हुई हैं, ए बी सी निकालना और ए सी बी बताना, बताना कि ये इक्वल है कि नहीं है। वैसे ये इक्वल नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते, बी सी कभी भी सी बी के इक्वल नहीं होता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते, इसलिए इक्वल आने के चांसेस बहुत कम है। पर फिर भी उनको निकालना है, तो हमें निकालना है पहले ए बी सी। ए बी सी का क्या मतलब है, 2 1 4 2 ए है, 3 4 -1 -2 बी है, -3 1 0 -2 सी है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, तीनों को इकट्ठा नहीं कर सकते, पेयर पेयर बना के करना पड़ेगा। पहले हम ए बी को करेंगे, जो आएगा उसको सी से करेंगे। तो शाबाश, मल्टीप्लाई का वही रूल है, इसकी रो को इसके कॉलम के साथ। तो करो, 2 3 6 -1, 2 4 8 -2, 4 3 12 -2 आ जाएगा, 4 4 16 -4, 1 0 -2 सी को एज इट इज ही रहने दिया। तो देखो क्या आया आपके पास, 6 -1 5, 8 -2 6, 10 और ये भी क्या आया आपके पास, 12, जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है -3 1 0 -2 से। अब करो मल्टीप्लाई, रूल वही है, इसकी रो को इसके कॉलम के साथ। करो मल्टीप्लाई, 5 3 15 6 0 0 5 -12 -30 +0 10 12 2 24। तो बेटा क्या आ गया आपके पास, -15, 12 में से 5 गए, -7 -30 -14, ये आया आपके पास क्या, ए बी और सी। ठीक है, क्लियर? अब आपने निकालना है क्या, ए सी बी। ए सी बी, ए सी बी कैसे निकालेंगे, पहले ए लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे। तो 2 1 4 2 ए था, सी क्या था आपके पास, 3 1 -3 1 0 -2, और बी क्या था, 3 4 -1 -2। अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे, पहले ए को सी के साथ, वो कैसे, इसकी रो को इसके कॉलम के साथ, रूल्स वही है। करो मल्टीप्लाई, 2 3 जा -6 1 0 जा 0, 2 -2 मल्टीप्लाई करके आ गया, इसको इसके साथ -12 +0, सिमिलर रूल, 4 1 जा 4 -4, अब मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 4 -1 -2,
तो ये क्या आया बेटा, -6 0, -12 0, 3 -1 4 -2। अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे, वही इसकी रो को इसके कॉलम के साथ, तो करो मल्टीप्लाई, -18 प्लस 0, 6 4 जा -24 प्लस 0, 12 3 जा -36 प्लस 0, 12 4 जा -48 प्लस 0, तो वो क्या आया -18 -24 -36 -48। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स देखो इक्वल आ रही है, नहीं मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर ए बी सी या ए सी भी निकालें तो कभी भी इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते। जब तीन को मल्टीप्लाई करना है तो जंप नहीं मारनी, ये नहीं कर देना कि पहले इसको इससे कर दो, पेयर पेयर बना के पहले को दूसरे के साथ करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे के साथ करना है। सिमिलरली इधर भी वही करा, पहले को दूसरे के साथ करा, जो रिजल्ट आया उसको तीसरे के साथ करेंगे, जंप नहीं मार सकते। हाँ जी, ये थे स्टूडेंट्स, हमने कुछ क्वेश्चंस करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस 23 के ऑनवर्ड्स क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।